इंटरेक्टिव होगा अपने प्रोग्राम का आगाज तलावत पुराने पाक से करते हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा जनाब अब्दुल वहाब भाई साहब को तो आए तलावत पुराने पाक पेश कर अब्दुल वहाब
वेलकम एड्रेस के लिए मैं मीर फारूक माहिर साहब को दर्ज करूँगा तजीता है चंद तलवार है जो खुश आमदीद है इंकलाब मीर फारूक माहिर साहब वेलकम एड्रेस में तो यही है कि मैं कहूँ कि आप आए हैं आपका शुक्रिया और मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल और बाकी जो आप कहेंगे हम बड़े शौक से दैट इज पार्ट ऑफ वेलकम थोड़ा सा तारुफ मैं चाहता था कि स्पीकर जो है वो ये मुझे अभी एक जो बातें कहूँगा ना सुनिएगा ये कुछ अजीबोगरीब किस्म के बंदे हमें लगे स्टार्ट से ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सियालकोट में चीफ मैनेजर बन के आए और सियालकोट स्टेट बैंक की बड़ी दहशत थी एक्सपोर्टर्स स्टेट बैंक के नाम से काम करते चीफ मैनेजर को जाके मिलना उनके वह गुमान में भी नहीं होता था कि हम मिल सकते हैं छोटे छोटे जो नीचे अफसर होते हैं उन्हीं को मिल के गला खुश्क हो जाता था और वो यहाँ कोई ना कोई थ्रेट दे देते थे या FIA का जिक्र कर देते थे वो आपकी जो एक्सपोर्ट में कमी बेची है उसका जिक्र कर देते थे तो फिर अचानक हवा तब्दील हो गई और चौधरी मनीष साहब का जिक्र होना शुरू हो गया। चौधरी मनीष साहब जब आए तो एक जो भयानक किस्म का इदारा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वहाँ से कुछ ताज़ी हवा भी आनी शुरू हो गई और कुछ मूवी आनी शुरू हो गई ऐसे में लगता था कि ये कुछ हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं और हम वैसे ही इसे डर रहे हैं। तो 3 साल इन्होंने जो गुजारे वो बड़े स्लो एंड स्टडी क्योंकि ये बेसिकली रिसर्च स्कॉलर हैं मेरा ख्याल है ये अपने आप को बैंकर भी नहीं समझते मगर बैंक में एज ए रिसर्च स्कॉलर आए तो ये बड़ा रेयर था कि चीफ मैनेजर किसी ब्रांच का किसी ऐसे शख्स को बनाया जाए जो बेसिकली बैंकर नहीं है ये रिसर्च स्कॉलर मगर उसका बेनिफिट हमें सियालकोट वालों को बहुत हुआ क्योंकि हमने देखा कि वो जो हमारी मुश्किल का जिक्र करते हुए हम करते थे ये सब उठ के स्टेट बैंक से उठ के सियालकोट चेंबर में आके खुद हमें बताते थे कि ये जो आपके मसाइल हैं इनको यूँ हल कर रहे इनको यूँ हल कर रहे तो ये वो इंसानों में से हैं कि इन्होंने शायद वो जो हुक्म है कि भाई कोई नेकी करो किसी का भला करो तो ये उस कैटेगरी में आती हैं मगर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कंडीशन में ये आए तो लिहाजा इदारे को भी फ़ायदा हुआ और सियालकोट के लोगों को भी फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान को फ़ायदा क्यों हुआ कि जब कुछ कन्वेंस का इशू आया तो टोटल कन्फ्यूजन थी सारे पाकिस्तान में कन्फ्यूजन थी बैंकों को नहीं पता था कि भाई किस तरीके से कर रहे हैं स्टेट बैंक को नहीं पता था कि भाई ये जो ऑब्जेक्शन हम लगा रहे हैं ये हमें लगानी चाहिए या अकॉर्डिंग टू द बुक्स थी वो तो लगाना चाहते थे मगर फिर चौधरी साहब ने इनिशिएट किया कि नहीं आए सब मिल बैठ के इसका हल निकाल सो इंडस्ट्री वालों से भी मिले और बैंकर्स से भी मिले और फिर इनकी ज्वाइंट मीटिंग भी कराएँ और जो सोल्यूशंस निकली इस छोटी छोटी रेजबर के प्रॉब्लम्स थे और वो जो सियालकोट में हल हो गए और सियालकोट की वर्किंग एफिशिएंट हो गई तो दूसरे शहरों ने भी पूछा कि ये सियालकोट में क्या बात है कि सियालकोट में 3 दिन में या 7 दिन में एक रेट मिल जाता है
जबकि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दो दो माह तक मामला फंसे हुए हैं। तो ये एक सोच समझ के मिल बैठ के फोकस्ड ना प्रॉब्लम बेस्ड और सॉल्यूशन बेस्ड इनकी अप्रोच है। अब आज का मजमून जो है इसका तारफ तो मेरा ख्याल है मेरे बार बार एक स्पीकर करेंगे, मगर मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब से हमने आगे भी पहले कुछ लेक्चर सुने हैं जहाँ उन्होंने इस्लाम के मैसेज जो है कुरान जो है उसकी स्टडी और रिसर्च और जो क्रिटिकल इशू है दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान उस चीज़ को लेके चौधरी मुनीर साहब चले हुए हैं। और इनके पहले एक लेक्चर में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से मॉडर्न मैनेजमेंट के हवाले से इन्होंने एक लेक्चर दिया था और जिसमें तमाम तर जो मॉडर्न अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ में और प्रोसेसेस में, तो उन्होंने बड़े सिंपल अंदाज में कहा कि भाई इस अंग्रेजी लफ्ज़ का तर्जमा कुरान यूँ करता है कि कुरान का लफ्ज़ जो है इसका इक्विवेलेंट मॉडर्न एजुकेशन में ये है। सो बात ये है कि हम कहते तो सब हैं कि जी कुरान के पीछे सारा कुछ है, मेरे हमें बड़ा शौक है ये कहने का जब कोई यूरोप की वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रोग्रेस का जिक्र करता है तो हमें बड़ा शौक है ये कहने का कि जो साढ़े असूलों लै गए हैं साढ़े असूलों लै गए तो जो असूल साढ़े ने तो फिर सबू की प्रॉब्लम है असं उन्होंने असूलों पर क्यों नहीं चल सकते, तो ही चल सकेंगे जो सबको असूलों का पता हो। अगर सिर्फ सबू कहानियां होंगे या सॉरी मैं पंजाबी में आ गया या सिर्फ जो लिटरली जो बात कुरान बताता है उसी पे हम गौर करते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग में या उसके अंदर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसकी तरफ जो हम नहीं देते तो हम आगे नहीं जा सकते। हम जहाँ खड़े हैं जो अल्फाज ले के बार बार दोहरा के हम अपने आप को तसल्ली देते हैं वो हम वहीं खड़े रहेंगे, चाहे आप उसे लाख दफ़ा पढ़ लें चाहे 10 लाख दफ़ा पढ़ लें, कदम आपका आगे उसी वक्त बढ़ेगा कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज आप तक पहुँचे। और आज के हवाले से मैं आगे भी एक दफ़ा मैंने जिक्र किया है कि सूरह रहमान का जो बड़ा अहम हिस्से हैं उनमें अल्लाह ताला अपनी जो टेक्निक है जिससे वो पूरी कायनात चलाते हैं वो जो असूल हैं वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके साथ वो सारी कायनात चलाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये सारी कायनात को इंसाफ से अदल से और बड़े बैलेंस से मैं चलाता हूँ। तो अल्लाह ताला अगर इतनी बड़ी कायनात जिसकी ना इधर लिमिट है ना उधर लिमिट है उसको इंसाफ और अदल से और बैलेंस से चला रहे हैं तो ये हमें भी मैसेज है कि हम भी अपने मामला इंसाफ अदल और बैलेंस के साथ चला। और मुझे यकीन है कि आज के इलेक्शन में मेन मरकजी मैसेज यही होगा, ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्राइसिस आती हैं ये मैन मेड क्राइसिस होती है, जब आप इंसाफ अदल और बैलेंस से हट जाते हैं तो एक नया मसला खड़ा होता है और वही क्राइसिस होता है। And all these crises are man-made. God bless you, and may you have a good day with us today. Thank you. चांदी चुदाई के दिमाग के लिए नंदावर दूंगा नाम यह शरीफ पर मारता है। आज जिस मौजू पर चौधरी मुनीर साहब गुफ्तगू फरमाए हैं उसका अनुमान है सीरत नबी की रोशनी में करंट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का हल।
मैं इस सिस्टम में कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं साथ से इस्लाम के सिंपल प्रिंसिपल की बात करूँगा। इस्लामिक इकनॉमी की दो बुनियादी असूल है। इसका पहला जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे में दौलत का इस्तकार न हो और ये सब पदकार तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और दूसरा उसका मुआन है सोशल जस्टिस। इसकी इब्तदा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहत मदीना से शुरू की थी और उसके बाद ये हिस्ट्री है जो हमने देखी हुई है। आज के जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस। ये फाइनेंशियल क्राइसिस इसलिए आते हैं कि जब आदमी एक खास हद से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में होता है तो वो भूल जाता है कि मुआशरे पे इससे क्या इम्पैक्ट होता है। ये इसका पहला फेज जो आया था इस फाइनेंशियल क्राइसिस का, ये अप्रैल 2007 में आया था जब सब प्राइम मार्केट क्राइसिस अमरीका में आया था। अब ये जो सब प्राइम क्राइसिस था ये था कि हाउसिंग इंडस्ट्री में जब लोगों ने अपने मॉर्गेज की कीमतें पे करके देर बदर किया। अब बैंकिंग के पास बैंकिंग इंडस्ट्री के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो बैंक ने उन्हें एक ऑप्शन दी कि हम कम रेट पे आपको फर्दर लोन कर देते हैं। ये एक वजह बनी सब पुरानी मॉर्गेज क्राइसिस की। फिर इसके बाद मार्च 16, 2008 में क्राइसिस आया जिसे लिक्विडिटी क्राइसिस का नाम दिया गया, यानी कि मार्केट में कैश की शॉर्टेज हो गई। इतनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दी गई कि मार्केट में कैश नहीं रहा। इसी का तीसरा हिस्सा जब आया तो वो था सॉल्वेंसी क्राइसिस। ये 15 सितंबर 2008 में आया था। तो बात ये है कि अगर ये काम इसी का चलते तो फिर क्या होगा, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। असल में ये प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हुआ जब रशिया का डाउनफॉल हुआ, तो दुनिया में कैपिटलिज्म रह गया और मार्क्सिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दूसरे को खेलने के लिए खुला मैदान मिल जाता है। इसके कुछ क्राइसिस के कुछ कार थे। चल मैं आपसे फाइनेंशियल मार्केट हर जगह ये तसव्वुर किया जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो नुकसान करते हैं वो बड़े असूलग्रस्त होते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं है। जो ग्लोबल इम्बैलेंसेस ग्लोबल ट्रेड के इम्बैलेंसेस हैं जिसमें कुछ ममालिक जो है वो दूसरे ममालिक की कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए सीधा मिसाल हमारे अपने मुल्क की है। अगर आप थोड़ी रिसर्च करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जिस हाल में आज पाकिस्तान है ये क्यों है। इसकी वजूहत आज से शुरू नहीं हुई, ये आज से 30 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। ये उसका दर्द है जिस हालात में आजकल हम रह रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हमारे यहाँ इस वक्त तो बड़ी आम है कि आम आदमी की तो क्रेडिट तक एक्सेस ही नहीं है। गवर्नमेंट ही स्टेट बैंक से अच्छी खासी रकम उठा देती है, बैंकों को काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक मजबूत मुनाफा मिलता रहता है। तो इससे इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगी, इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। डेरिवेटिव ऑफ द क्राइसिस आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड नीड टू क्रिएट थ्री स्पेसिफिक एरिया। इन स्पेसिफिक एरिया में हमें काम करने की जरूरत है जिसके बाद हम ये समझ पाएंगे कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों हुए थे। इसमें पहला है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स को आजकल ग्रो मार्केट जो है ना रूल कर रहे हैं। आम आदमी को वहाँ से फायदे की तो नहीं होनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वादे मिसाल हमारी ऑफिस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जिसमें बैंक की मैनेजमेंट कंपनियाँ काम कर रही हैं। वो कोई भी अपना मार्जिन शेयर उठाती हैं, उसको किसी गाँव में ले जाती हैं और फिर जब वो सब सेल हो जाए तो वो अपना पैसा निकाल देती हैं और आम आदमी के पहले कुछ कहता ही नहीं है। कमोडिटी मार्केट में भी ऐसा ही हो रहा है। इसकी भी मिसाल हमारी जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसमें आपको अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको समझ आएगी। करेंसी मार्केट में भी ये प्रॉब्लम है। असल में ये प्रॉब्लम इसलिए है कि इस्लाम में 5 चीज़ों को एक दूसरे के साथ उन्होंने एक इजाज़त दी गई आपको काम करने की। खजूर के बदले खजूर, जौ के बदले जौ, गेहूँ के बदले गेहूँ, नीमक के बदले नीमक, चांदी के बदले चांदी और सोने के बदले सोना।
जब तक आपकी करेंसी की वैल्यू गोल्ड या सिल्वर के साथ भी दूर की जाएगी, इस किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा आते रहेंगे। पर यह सब कुछ ऐसे नहीं हुआ। 1930 की इन्फ्लेशन में जहाँ मुल्क के फेडरल रिजर्व ने अमेरिकन डॉलर को जो है गोल्ड डॉलर को ज़्यादा किया था, उसकी कीमत पहले स्टेज में घटाई थी और फिर बाद में इसको आय के साथ लिंक कर दिया। और ये जो लिंकेज आप ये करेंसी जो है, करेंसी की वजह से जब तक पेपर करेंसी है आप इस्लामी के इकोनॉमिक्स को कहीं भी उस तरह लाइव नहीं कर सकेंगे जिस तरह इस्लाम का मतलब नज़र है। तो हमें सोचना ये चाहिए, हमारे बैंकर को इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि हमें ये पेपर करेंसी से किस तरह जान छुड़ानी है और हमें रियल वैल्यू की करेंसी पर कैसे आना है। मेरा ख्याल है मुझे इससे ज़्यादा इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मनीष साहब इस पर भरपूर गुफ्तगू फरमाए। शुक्रिया। हमारे आज के मौजूद सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दौर हाजत का वालिया होना, इस मौजूद पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आपकी चौधरी मनीर अहमद साहब को। मैं उनसे गुजारिश करूँगा तशरीफ लाएँ और आपके ख्याल होना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ रब के नाम से और जिसे देने वाला है जो राज़िक है जो सब कुछ है, और फिर उसके महबूब के नाम से जिसकी सीरत की अदालत में हमारी फलाह है। सैने लोग कहते हैं कि वो महफल इसमें अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र हो वो बड़ी बाबरकत महफल होती है। भाई साहब ने मेरे बारे में कुछ बातें कही, मैं सोचता रहा कि मैंने क्या किया यहाँ पर। मैं एक सरकारी ऑफिसर था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का मुझ पर एक खास मेहरबानी हुई कि मेरी जो महफिलें थी वो ऐसी थी उसमें लाजमी तौर पर अल्लाह और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र लाजमी होता था। ये उसकी बरकत है और मैं कहता हूँ कि जो इस महफिल में आए वो भी एक लिहाज से एक बरकत है कि अल्लाह का फजल है। मैं रब का फिर शुक्र अदा करता हूँ कि आज हालांकि मैं अब बैंक में नहीं हूँ, आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है और अल्लाह का फजल है कि इस टॉपिक पर बात करना भी एक सआदत है। आज के दौर में जब हम उलझे हुए हैं अपने अकल के मामलात में, इस टॉपिक पर बात करना, इसको सुनना एक सआदत है। अल्लाह रिया इसे हमारा सबका यहाँ बैठा होना कबूल करें। और थोड़ी सी बात मैं और करूँगा, जब मैंने ये प्रोग्राम देखा तो ये सेंट्रल प्रोग्राम है जो तबादर से बाकायदगी से सीते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो। मैं समझता हूँ कि फिकर फोरम इस लिहाज से हमारे बात का मुस्तक है। और एक और बात अच्छी कहते हैं जो टाइम दिया पाबंदी के वक्त 11 बजे, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ था उस वक्त भी फिकर फोरम की महफिलें सीते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो वक्त किया जाता था वो शुरू होता था। आज भी शुरू हुआ है, अल्लाह इसे कबूल करे और हमारी इस बैठकों में वहाँ से बरकत करें। आज का टॉपिक, भाई साहब ने कहा कि मैंने वाकई स्टेट बैंक में ज्वाइन किया है रिसर्च, दो मुझे बेनिफिट थे, अगर उस पर मेहरबानी की थी। मुझे शुरू से ही पढ़ने का शौक था, तारीख इस्लामी प्रबंधन उसका ये मैं दफ्तर में भी काम करता रहा और वाकई मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं बेहतर क्यों बना, लेकिन हर चीज़ में एक उसमें मसलत होती है। अल्लाह का शुक्र है कि हालांकि अक्सर लोग ये, मैं एक बार हमारे बुखारी यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ मुझसे ये सवाल किया गया कि क्या बैंक की नौकरी जाए, मैंने कहा तो साफ़ जायज़ कैसे हो सकती है जहाँ सूद का काम हो रहा हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि मुझे जो अल्लाह ने समझ दी है बैंक के काम करके, आज मैं इस्लामी बैंकिंग की या इस्लामी मुआशी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहते थे कि उसी बात में पाया। मेरी जो गुजारिश है ये तीन हिस्सों में तकसीम है, कोई जज्बाती अंदाज में नहीं, एक लॉजिकल अंदाज में वो निज़ाम, वो मुआशी निज़ाम जो 1400 साल पहले किया गया और अब जो दुनिया जिसकी तलाश में है, जिसे पुकार रही है, क्योंकि मेरा ये स्टडी है सारा बैंकिंग में पढ़ता हूँ, जो मुझे समझ आई है वो मैं आपके सामने रखूँगा और इसमें अगर कोई मुझसे भूल चूक हो जाए, कोई चीज़ मैं सही बयान ना कर सकूँ, तो मैं पहले ही से आपसे माफ़ी का दस्तगार दरख्वास्त करूँगा कि ये लफ्ज़ समझ दे कि मैं जो बातें आज आपके सामने हूँ बिल्कुल एन वही हो जो सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तीन बातें करूँगा मैं, आप एक चूँकि माशाल्लाह आप सियालकोट इज़ अ सिटी ऑफ ट्रेडर्स, सिटी ऑफ बिजनेस, एक तो बात करूँगा कि दुनिया में अभी तक कितने मुआशी निज़ाम आए और उसमें इस्लामिक मुआशी निज़ाम क्या है, उसके चीदा चीदा जो उसके ख़द व ख़ाल हैं, क्योंकि टाइम भी एक मखसूस है और मैं इंशाल्लाह 40-50 मिनट तक आपके सामने बात करूँगा, हमें इसका भी ख्याल रखना है। पहली बात तो ये होगी कि कितने निज़ाम हैं, दूसरी बात ये होगी कि आजकल पिछले 10 साल से दुनिया को एक ऐसे माली बहरान ने घेरा हुआ जिसका कोई हल नज़र नहीं आता, कोशिशें पिछले 10 साल से हो रही हैं जब से ये 21वीं सदी का आगाज़ हुआ है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कई तो हमारा सिस्टम कभी नाफिस था दुनिया में इस्लामी मुआशी निज़ाम, इस सब को वहाँ पर बयान है, मौजूद है। और इसी बात को मैं करूँगा, आज के दौर में एक सियालकोट के लिए मेरे जहन में एक पैकेज है, क्योंकि मुझे सियालकोट से, मैं सियालकोट में जो मेरी पोस्टिंग हुई थी मैं वैसे नहीं आया था, लेकिन जितनी मुझे इज्जत, जितना मुझे प्यार इस शहर से है, तो एक प्रोग्राम सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से एक प्रोग्राम है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा कि हम किस तरह उस पर अमल करके वो खालिस्तर इस्लामी निज़ाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था उसकी तरफ, ये मेरी गुजारिश है। अब मैं वक्त दिया, दुनिया में अभी तक तीन मुआशी निज़ाम आए, अभी तक तीन मुआशी निज़ाम। सबसे पहले जो मैं रखता हूँ उसे इस्लामी मुआशी निज़ाम जो 1000 साल तक चला, 7वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक दुनिया में इस्लामी हुकूमत रही, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में स्पेन की शक्ल में, और एक मुआशी निज़ाम प्रैक्टिकली सूद के बगैर वो चला, जिसे कहते हैं कि वन मिलेनियम ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उसके बाद दूसरा मुआशी निज़ाम इश्तराकियत जो 20वीं सदी के आगाज में शुरू हुआ 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और 80-85 साल के बाद ख़त्म हो गया, आप उससे बात कर रहे हैं इश्तराकी निज़ाम। और तीसरा निज़ाम, निज़ाम सरमायादारी, बैंकों का निज़ाम जो सरमायादारी के तहत काम कर रहे हैं, पिछले 500-600 साल से चल रहे हैं और आज भी तकरीबन सारी दुनिया उसी निज़ाम के जेर रियासत है, क्योंकि इश्तराकियत का निज़ाम खत्म। अब मैं कुछ चीज़ें आपको ये चाहता हूँ आपके सामने रखना कि हम ये दावा करते हैं, जैसे माहिर साहब ने कहा कि ये वादी करते रहे कि हमारा निज़ाम ये था और हम खुद क्या करें, उसमें मैं आखिर में
ऑलमोस्ट है ना। बाकी हमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि सातवीं सदी के आगाज से लेकर 1000 साल तक इस्लामी निजाम नापस रहा जो सूद से पाक था। ये कोई जज्बाती बयान नहीं है क्योंकि 15वीं-16वीं सदी तक यूरोप में ईसाई और यहूदी की सूद नहीं लेते थे। 15वीं-16वीं सदी में इसका आगाज हुआ, फिर वो बाद में प्रमोट हो गया। इस्लामी वाशी निजाम में कुछ सूद पाई ने, लेकिन जो दूसरे वजाहत थे, जो परंपरा निजाम थे, साथ साथ चल रहे थे, उसमें भी सूद नहीं। अब मैं थोड़ी सी आपके सामने चीज रखता हूँ कि वाशी निजाम होता क्या है। एक जो वाशी निजाम है उसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि सस्टेनेबल बेसिस पर जो अफराद की वाशी जिंदगी है वो बढ़िया हो, ताकि वो जो अपनी माशरे में पूरी सोसाइटी पूरी जिंदगी है उसको वो अच्छे अंदाज में गुजार सकें। तीनों वाशी निजाम इसका दावा करते हैं कि हमारे वाशी निजाम में अपराध को एक माशी आसूदगी के माशी अच्छी जिंदगी मिलेगी। तीनों के अंदाज मुख्तलिफ हैं। इश्तराकी निजाम ये कहता है कि सारे मसाइल को गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया जाए और गवर्नमेंट ये फैसला करे कि किसको क्या मिलना है। उनका एक स्लोगन है कि ईच अकॉर्डिंग टू नीड एंड ईच अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी। ये निजाम खत्म हो गया, अब उसका जिक्र नहीं है। दूसरा निजाम सरमाएदारी। सरमाएदारी ये कहता है कि आप जैसे आप जानते हैं सर बिजनेस करते हैं, हर बंदे को हक है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, अपना बिजनेस करने का, लेकिन सरमायादारी में ये है कि कोई पाबंदी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, आप जो चाहें बिजनेस कर सकते हैं। कोई ऐसा कारोबार जिससे इनकम हासिल हो सके, दैट इज इकोनॉमिक फ्री। यदि कि मार्केट का निजाम, इसमें मार्केट ही ये फैसला करेगी कि कौन सी चीज़ बेचनी है, कौन सी चीज़ पैदा करनी है, और सूद के तहत जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है वो सूद के हिसाब से। ये दूसरा वाशी निजाम है सरमायादारी, जो ये क्लेम करता है कि इसके नतीजे में एक वाशी खुशहाली आएगी, माशरा खुशहाल होगा। अब तीसरा निजाम है इस्लामी वाशी निजाम। इस्लामी वाशी निजाम ये तो कहता है कि फर्द को आज़ादी होनी चाहिए, वो अपना जो पेशा चाहे, जो प्रोफेशन चाहे उसका इंतखाब कर ले, लेकिन उसमें कुछ कंट्रोल्स लगाता है इस्लामी वाशी निजाम। यानी कि हर वो एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट हो जाए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। मसलन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो माशरे का अखलाकी और सोशो और समाजी तवाजन बगाड़ दे, उसको इस्लाम इकोनॉमिक एक्टिविटी समझता है। दूसरी बात, आप सब जानते हैं सूद, वो कारोबार जो सूद पर किया जाए उसको भी इस्लाम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं समझता, खारिज कर। ये बातें हम सब जानते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखना चाहता हूँ। मार्केट बेस्ड, मार्केट बेस्ड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। और चूंकि हमारा टॉपिक है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में 3 अहादीस है जो ये बताती है कि चीज़ों का फैसला, कीमतों का फैसला मार्केट के हिसाब से होता है। पहली हदीस क्या है कि एक बार मदीना में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जिस तरह हमारे यहाँ आजकल महंगाई है। कुछ लोगों ने कहा कि या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कीमतें फिक्स कर दें, आप देनदार कर दिया। आपने कहा मैं नहीं चाहता कि रोजे की आवत कोई मुझसे कहे मुझे नुकसान हो गया, आपने कीमतें फिक्स नहीं की। दूसरा एक रिवाज था मदीना में कि जब ताजर लोग गल्ला लेकर आते थे मदीना शहर में,
तो जो मदीना के ताजर थे वो शहर से बाहर जाके गल्ला खरीद किया करते थे। यदि कि गल्ला मंडी में ना आए, मार्केट में ना आए, पहले दो दो मील चार चार मील दूर जाकर वो गंदम जौ और चीज़ें खजूरें खरीद किया करते थे। आपने इसको मना फरमा दिया, आपने मना फरमा दिया कि नहीं, पहले चीज़ों को मार्केट में आने दो। वो चीज़ें मार्केट में आए और फिर उसकी कीमत का फैसला हो, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब कोई आदमी शहर से पाँच मील दूर जाके खरीदेगा तो उसमें जो बेचने वाला होता था वो भी क्योंकि दूर से वो चीज़ें लेके आ रहा होता, वो कहता था कि मैं इसको बेच के मैं शहर जाने से बच जाऊँ। आपने मना फरमा दिया कि नहीं, चीज़ों को पहले मंडी में आने दो, मंडी में मार्केट ये फैसला करेगी कि इसकी सही कीमत क्या होगी। इसके बाद एक दफ़ा कुछ आपके आपको लोग मिलने आए, उनके पास खजूरें थी, उन्होंने आपको तोहफा दरपेश की, तो आपने पूछा कि आपके इलाके में खजूरें कितनी अच्छी होती हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम जब आ रहे थे तो हमारे पास नाकस खजूरें थे, हमने उनका तबादला कर लिया इन आला खजूरों से। आपने फरमाया कि गरिमा है, उन्होंने पूछा कि फिर हम क्या करते। आपने फरमाया कि पहले नाकस खजूरों को हम मार्केट में बेचते और फिर उन पैसों से वो चीज़ें खरीदते, वो खजूरें जो आला है जो आपके पास है। तो ये जो मैंने तीन वाक़ियात बयान किए जिसमें मार्केट का जिक्र है और जिक्र भी कभी पाँच सौ सौ की ज़ुबान से, इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद ये है कि किसी का इस्तेहसाल ना हो। जब आप पाँच मील दूर जाकर शहर से चीज़ें खरीदेंगे तो क्या होगा कि बेचने वाला या खरीदने वाला नुकसान में रहेगा। मार्केट में चीज़ें आए और वहाँ ही फैसला, ये फैसला किस लिए। मैं चूँकि मेरा मजमून मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है, मैं थोड़ा सोचता था कि इसके जो फ़ायदा है ये किसान बेचारा गल्ला लेकर आ रहे हैं, लेकर जो चीज़ें बाहर डिवेलप हो रही हैं जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा, जो मुझे इसका जवाब मिला कि वो जब भी हम कोई इकोनॉमिक डील करते हैं जो दूसरी बात है, हम एक लेन देन करते हैं तो वो लेन देन में किसी एक दूसरे का इस्तेमाल नहीं हो, या मैं इसको अपनी जुबान में कहूँ एन इकोनॉमिक एक्सचेंज शुड बी एन एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यूज। अगर मैं मार्केट से कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मुझे ये यकीन हो कि जो मैंने ये चीज़ पैसा देकर खरीदी है वो उसकी वैल्यू उसके बराबर है। मैंने ये कुर्ता खरीदा है बाजार से, पैसा दिया और कुर्ता ले लिया, आपने कोई चीज़ शर्ट खरीदी है, आपने पेमेंट की कैश दिया और आपने वो चीज़ खरीद ली। कैश भी एक वैल्यू है जो मनी की शक्ल में है, पैसे की शक्ल में है। वो जो चीज़ आपने खरीदी है वो भी एक वैल्यू है जो उस चीज़ की शक्ल में है। तो आइडियल ट्रांजेक्शन क्या होगा when it is an exchange of equal values। अगर ये exchange of equal values नहीं होगा तो दूसरे बंदे को ये एहसास होगा कि मुझे लूट लिया गया। अगर कोई चीज़ 200 रुपए की है, आपको 1000 की कोई बेचते और आपको पता लग जाए कि ये तो 200 रुपए की थी, तो क्या होगा, आप सोचेंगे कि मुझे लूट लिया गया, मुझे धोखा दिया गया। इस्लाम बाहर मुआशी निज़ाम है जो एक इकनॉमिक डील को एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू बनाता है। कैसे, इसके बारे में फिर तीन अहादीस मैं आपके सामने पेश करूँ। आपने फरमाया जब कोई चीज़ बेचो तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो हुनर बयान कर दो चीज़ बेचने से पहले। जो खरीदने वाला है उसको बता दो कि इसमें ये खूबियाँ है। आज ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, अगर आप टीवी देखते हैं तो एक सैलाब है एडवर्टीजमेंट का कि ये चीज़ दुनिया में सबसे अच्छी है,
एक साफ फरमा रहे हैं कि जब भी कोई चीज भेजो बता दो इसके मैरिज क्या है और डी मैरिज क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि चीजों को भेजते वक्त झूठी कस्में ना हो, गौर करें कि सेलर पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी। बायर जो है वो तो एक बिजनेस दे रहा है, लेकिन जो सेलर है उसी हदीस है कि आपने फरमाया कि झूठी कस्में खाने से माल तो गिर जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। आपने एक बरकत का मफहूम किया, हालांकि पैसे तो इतने ही है लेकिन जो फर्क है हलाल का और हराम का। तो आपने कहा कि झूठी कस्में मत खाओ, झूठी कस्में खाकर माल मत बेचो, उससे इनकम तो होगी लेकिन बरकत नहीं होगी। और तीसरी हदीस जिसने फैसला कर दिया कि एक्सचेंज ऑफ पीपल वैल्यू, आपने फरमाया कि खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों साफ साफ बयान कर दें खरीदने के बारे में और बेचने के बारे में, और साथ दावा किया कि एक दूसरे की भलाई करें। खरीदने वाला और बेचने वाला साफ साफ बयान करें और एक दूसरे की भलाई जाने, ताकि वो इकोनॉमिक डील शुड बी एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू, और उसमें किसी को ये एहसास ना हो, ना बेचने वाले को ना खरीदने वाले को, कि मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। इसके बारे में और बहुत हदीस है, जैसे है कि जब तक वो जगह नहीं छोड़ दो जहाँ आपने डील की है, वो डील आप रिवोक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक आपने डील कर ली है लेकिन जब तक जगह छोड़ी, इन सारी बातों का एक ही मकसद है कि इकोनॉमिक परसू वाशी जदोजहद जो आपने करनी है उसमें फलाह है, उसमें फलाह होगी तो फिर भी वो काम आगे चलेगा। दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात प्रमोशन ऑफ बिजनेस नॉट इंटरेस्ट, ये बातें मैं फिर बाद में रिलेट करूंगा दौरे हाल से। जब आयत आई कि सूद खराब है तो कफार और यहूदी खासतौर पर पूछते थे कि सूद का कारोबार भी तो एक तजारत है, क्योंकि कारोबार दो किस्म के हैं। एक तो है कि आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा आप पैसे को बेच रहे हैं। आप देखें कि पैसा मनी किस लिए इजाद हुई, टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अभी पहले जिक्र खर्च की थी कि एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, पैसा दिया चीज़ दे दी, चीज़ दे दी, चीज़ दे दी तो पैसा दे दिया। तो एक वक्त था कि मनी नहीं थी, बार्टर था, और इस्लाम बार्टर को भी मदद करता है। आपको अभी जो शरीक साहब ने जिक्र किया था कि पांच चीज़ें हैं कि जौ के बदले जौ, सोने के बदले सोना, उसके अलावा कमरा है, और वो भी है कि मौके पर और हाथ के हाथ। ये चीज़ें गौर करने वाली है कि क्या वजह थी कि आपने पांच चीज़ों के बारे में बयान किया, और वो भी मौके पर हाथ के हाथ और बराबर पर। तो वहाँ पर फिर ये कहा गया, आपने फिर कुरान में ये कहा कि नहीं सूद हराम है, बै बै हराम, बया भी बै क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये माशरे इस्लामी माशरे में सूद का कारोबार, मनी का कारोबार तो होगा ही नहीं। हम मनी को यूज करेंगे एज टू परचेज कमोडिटीज, हम मनी को यूज नहीं करेंगे कि एज अ बिजनेस। सूद बना करता है इस बात, और बड़ी दिलचस्प बात है जब मैंने ये पढ़ा, जब कुरान सूद को मना करता है और बै को हलाल करता है, बै करनी चाहिए सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके लिए इस्लाम क्या मॉडल पेश करता है। मैंने जब किताब पढ़ी मैं हैरान हो गया, मैं दोबारा पढ़ा उसे, आप ये सुन के हैरान होंगे। मदीना शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में
تجارت پر کوئی ٹیکس نہیں تھا، چونکہ تجارت کو پروموٹ کرنا تھا، آپ بزنس مین ہیں، ٹیکس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. میرے لیے بھی یہ نئی چیز تھی کہ مدینہ میں ابھی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں، اس کے بعد بھی خاصی حد تک اسلام میں ٹریڈ پر کوئی ٹیکس نہیں، کیونکہ جب ٹریڈ پروموٹ ہو، جب کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو ٹریڈ پروموٹ ہوگی. اور یہاں تک حضرت عمر کے دور میں جب انٹرنیشنل ٹریڈ شروع ہوئی، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے آغاز ہوتا ہے لوکل ٹرین سے، ڈومیسٹک ٹرین سے، پھر آپ اپنے فرنٹیئر سے باہر نکلتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ٹرین کی طرف جاتے ہیں. تو جب انٹرنیشنل ٹرین شروع ہوئی تو یہ مسئلہ ہوتا، یا وہاں سے امپورٹس آنے شروع ہوئی تو کیا مسئلہ ہوتا کہ کیا ٹیکس لگایا جائے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں چیزیں لے کر تو وہ کیا ٹیکس لگاتے ہیں، اتنا ہی آپ ٹیکس لگا دو. یعنی کہ آپ غور کریں، اسلام میں یہ ٹیکس لینا فرام ٹریڈ از ناٹ مین سورس آف انکم، اور کوئی پابندی نہیں تھی مارکیٹ پر، فیکٹرز آف پروڈکشن پر، ود ان سٹیز، ود ان کنٹریز. آج کی جو ڈیمانڈ ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن موبائل ہو، ان کی فری موبیلٹی ہو، یہ چیز اسلامی معاشی دور میں رائج تھی. There was no restriction on trade, no restriction on market, and no tax. جو تاجر تھے آزاد تھے، کیونکہ تاجر کیونکہ تجارت کو ذریعہ بنایا تھا معاشرے میں فلاح پیدا کرنے کا. آپ نے اپنی روزی بھی کمانی ہے، ٹیکس نہیں تھا، ایک ہی بڑا ٹیکس تھا، زکات. زکات تھا، اور زکات واز ناٹ اونلی آن دا کرنٹ انکم، کرنٹ ایئرز انکم. ابھی یہ جون ختم ہونے والا ہے، ہمیں اپنے ٹیکس کی فکر پڑی ہوگی. اسلامی نظام کا جو ٹیکس ہے ایک ہی ٹیکس ہے، زکات جو مین ٹیکس ہے. اگر صورتحال ایسی ہو، وفاق نے اجازت دی ہے کہ اور ٹیکس بھی سچویشن کے حساب سے عارضی طور پر لگائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ جو ٹیکس ہے وہ صرف آمدنی پر نہیں ہے، اسی سال کی ساری ویلتھ پر ہے، ساری دولت پر ہے، پچھلے سال سے بھی کٹی ہوئی ہے، تاکہ معاشرے میں دولت کا ارتکاز ہو. تو تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسلامی معاشی نظام میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ اسلامی معاشی نظام کا مقصد تجارت کو فروغ دینا ہے اور سود کو منع کرنا ہے. سود کی اجازت نہیں ہے اور کاروبار پر کوئی ٹیکس نہیں ہے تاکہ کاروبار چلے. اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کے سامنے سے اسے لیے فیچرز پیش کر رہا ہوں. آنیسٹ ٹریڈر، آپ دیکھیں اسلام ایک ماحول بنا رہا ہے، ایک ماحول بنا رہا ہے کہ ٹریڈر کو فری چانس دے رہا ہے، فری اپرچونیٹی دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے ٹریڈ کرنی جو ایڈمیزبل ہے، سیل آف گوڈس اینڈ سروسز، سیل اینڈ پرچیز آف گوڈس اینڈ سروسز، اور اس میں پوری آزادی ہے، مارکیٹ میں کوئی انٹرپشن نہیں، پروفٹ ریٹ کوئی فکس نہیں. یہ اس تاجر کا فیصلہ ہے اس نے کیسے بزنس کر رہا ہے. لیکن ایک اور بات، آنیسٹ ٹریڈر، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سچے تاجر کا مطلب شبدا اور سالمی کے بعد. اتنی امپورٹنس ہے ایک سچے تاجر کی، کیونکہ اب دیکھیے، کیونکہ اسلام پہلے وہ فری پر دے رہا ہے، کوئی ٹیکس نہیں. جب معاشرے میں آپ جب ٹریڈ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو لازمی ہے کہ ایک سچا تاجر وہ اپنے آپ پر جو اس کی زکات بنتی ہے، اس کی انکم پر اور اس کی دولت پر جو پچھلے سالوں سے جمع ہے، وہ ٹیکس کو زکات دے دے گا. تو کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور لازمی ہے کہ وہ ٹریڈر سچا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ نظام 1000 سال تک کم و بیش
अगर आप कहें कि अति ध्यान दे रहा हूँ, कम से कम 500 600 साल तक अपनी किसी खसूसियत के साथ चला। और मुसलमान जो ताजर थे उन्होंने तजारत के जरिए तबलीग का काम किया, तजारत के जरिए इस्लाम को फैलाने का काम किया। आपको ये जानते होंगे कि इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई इस्लामिक फौज नहीं है, सिर्फ इन खसूसियात वाले ताजर हैं और उनके रवैये से वो लोग मुसलमान हो गए। क्योंकि जो सच्चा ताजर है वो फलाह का बायस है, ट्रेड के जरिए, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए, सूद के जरिए नहीं, उसकी तो इजाज़त ही है। और इसकी तारीख गवाह है कि 10वीं 11वीं सदी में जो वीनस था वो ट्रेड का सेंटर था। आपने नाम सुना होगा मार्को पोलो, जो वीनस से उठ के चाइना गया था, इंडिया भी आया था, उसने सफर किया था। फिर आपने ड्रामा पढ़ा होगा शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वीनस, ये 12वीं 13वीं सदी की बात है। वो लोग मुसलमानों का इंतज़ार करते थे कि मुसलमान ताजर आए और हमें बिजनेस सिखाएं, क्योंकि सूद नहीं था। अब जो स्टूडेंट है इकोनॉमिक्स के, जब वो ये पढ़ते हैं अपना सिलेबस, मैं खुद एमए इकोनॉमिक्स हूँ, एक ही चीज़ पर जोर है कि जो सूद है दैट एलोकेट्स रिसोर्सेज बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपने कोई काम करना है, सूद ये फैसला करेगा आप सेविंग करेंगे, बचत करेंगे या कारोबार करेंगे। अगर बचत में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा सूद मिल रहा है, आप बचत की तरफ चल जाएंगे। आप देखते हैं अपने शहर में ये सारे जो बैंक हैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा है तो आप वहाँ चल जाएंगे। लेकिन वो वक्त जब सूद था ही नहीं, सूद नहीं था, पूरी दुनिया में नहीं था, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होती थी, लोग ये कैसे फैसला करते थे कि मैंने बचत करनी है या मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये निज़ाम था जो राइज रहा पूरी दुनिया में और जिससे पूरी दुनिया ने सीखा। लेटेस्ट एक बुक आई है मलेशिया से, इस्लामी सरमायादारी, इस्लामी सरमायादारी, उसमें उसने लिखा है कि सबसे जो पहला सिस्टम था, पहले तो होगा कि जो सिस्टम तो पहले नहीं थे, वो भी इंसान को जितना था आपसी जिंदगी अपनी वो किसी ना किसी तरह उसका कसूर कर रहा था। लेकर इस्लाम ने जब ये सिस्टम दिया जिसके चंद कदों काल पहले आपको पेश किए, कि सच्चा साजर टैक्स कोई नहीं ट्रेड पर, और जो इकोनॉमिक डील है दैट इज एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू। उस्मानी दौर में, उस्मानी खिलाफत के दौर में, मैं फिर पढ़कर आराम हुआ उस किताब में है डॉक्टर मुराद राम मलेशिया, उसकी किताब है इस्लामी सरमायादारी, इस पर दुनिया में बड़ा चर्चा है। उसने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ वास इन प्राइवेट सेक्टर थ्रू वक्फ, थ्रू ट्रस्ट, थ्रू फाउंडेशन, क्योंकि जो फिर आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपने 9% ज़कात दे दी, उसके बाद कोई आपको सफल नहीं है। लेकिन फिर जो मैं बाद में मेरी बात अभी हो जाएगी, वो एक ऐसा माहौल था कि लोग अपने खानदान के नाम पर, अपने वालदेन के नाम पर वक्फ बनाते थे और यूनिवर्सिटी में डोनेशंस होते थे वक्फ की तरफ से, हमारी तरफ से ये डोनेशन है, और सारी एजुकेशन और सारी हेल्थ आपको मौका मिले वो पढ़े। खासतौर पर मैं नौजवानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चीज़ को पढ़े, ये हमारी जन्नत गुलदस्ता है। दिस इज ये जो दौर है, दिस इज आवर पैराडाइज लॉस्ट, और हमें इसे ढूंढना है कि सूद नहीं था, इस्लामी इंतजाम राइज था और फलाह का बायस था, और दुनिया इसको ताजरों देख देख के मुसलमान हो रही थी। वो हमारे मकसद है, उसी की हम तलाश में हैं, और इसी पर जो मेरी पहली बात है
होकर दूसरी बात मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा आपकी वजह से, और मैं चाहता हूँ कि बैठ के पानी पीऊँ तो क्या हम फिक्र कर रहे हैं इसकी तभी 16 बार सर। दूसरी बात जो मिली है मदरब का जो आर्मी मालियाती बहरान है इसमें पिछले 10 साल से पूरी दुनिया को जबर रखा है। आप लोग के एक्सपोजर्स हैं, आपको आप ये बातें करते हैं कि डिमांड नहीं आ रही क्योंकि आप सब वेस्ट की मार्केट को फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी, वहाँ से डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, डिमांड नहीं आ रही, कारोबार आप लोग बातें करते हैं कि थोड़ा हो गया है, वहाँ से ऑर्डर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? पिछले 10 साल से खासतौर पर 8 साल से बैंकों ने वहाँ एक ऐसा प्रॉब्लम खड़ा किया हुआ कि जिसकी उन्हें समझ नहीं आ रही। अच्छा, इससे पहले भी बैंकों के बिजनेस में क्राइसिस आती थी, यानी होता ये था कि मैं तो खुद बैंकर रहा हूँ, हर 50-60 साल बाद बैंकिंग बिजनेस जो पहले बड़ा अच्छा होता था वो खराब हो जाता, तो वो भी जो बचत थी वो डूब जाती थी, फिर किसी को बैंक को बचाया जा रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, फिर 5-10 साल अच्छे गुजरे, फिर एक प्रॉब्लम आ गई। जो पहले प्रॉब्लम आते थे उनकी नौयत मुख्तलिफ थी, वो कभी अफ्रीका में आ रहे हैं, कभी लैटिन अमेरिका में आ रहे हैं, मेक्सिको में आ रहे हैं, ब्राज़ील में आ रहे हैं, और कभी एशिया में आ रहे हैं। जब ये लोग गिला करते थे कि हमारी इकोनॉमीज तो बिल्कुल ठीक है, ये जो क्राइसिस है ये बैंकों की वजह से आया, तो वेस्टर्न बैंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स इस बात को नहीं मानते थे और वो ये कहते थे कि आपका अपना निजाम ठीक नहीं, आपकी मार्केट ठीक नहीं, आपका गवर्नेंस प्रॉब्लम्स है, आपकी वैल्यूज ठीक नहीं, और वो कहते थे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल आइडियल है और उसका बेस क्या है, इंटरेस्ट, और वो क्या करता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी मर्जी है सेविंग करें, आपकी मर्जी है इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा सिस्टम आइडियल है। ये जो पिछले 50 साल है इसके इतिहास से बड़े अहम है। एक तो 80s में जो रूसी निज़ाम था इश्तराकियत वो ख़त्म हो गया, जब वो ख़त्म हुई तो अहले मगरब ने बड़े ढोल पीटे और बड़े शादियाने बजाए कि अब दुनिया के पास वाहद निज़ाम सरमायादारी है जो दुनिया की इकोनॉमिक लीडरशिप को संभालेगा, और आज वो सारी दुनिया इस निज़ाम पर आ गई। लेकिन एक वाक्य हुआ 1997-98 में, जिसे हम कहते हैं ईस्ट एशियन बैंकिंग क्राइसिस। ईस्ट एशिया में कौन से मुल्क है, मलेशिया, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन इकोनॉमीज को हम कहते थे कि ये एशिया के शेर हैं, द एशियन टाइगर्स, और इनके बारे में वर्ल्ड बैंक की IMF की प्रेडिक्शन थी कि ये अमेरिकन इकोनॉमीज है, ये आने वाली इकोनॉमीज है। वहाँ बैंकों ने अपना केस खेला कि अपने ख़ास अंदाज में पहले लोगों को कर्जे दिए सूद पर प्रॉफिट कमाने के लिए, फिर वो वापस ले लिए, पैसा निकाल लिया, क्राइसिस आ गया, सारा ईस्ट एशिया क्राइसिस का शिकार हो गया, और उन्होंने कहा ये बैंकों की बजाय मतलब नहीं, आपका सिस्टम ठीक नहीं है, आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, आपकी मार्केट पर बैठ नहीं है, सिवाय एक मुल्क के मलेशिया के। मलेशिया ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया जो अब इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट है। मलेशिया ने कहा महाजी मोहम्मद ने कि किसी मुल्क में प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब उस मुल्क की एग्रीकल्चर तबाह हो जाए, जब या उस मुल्क की इंडस्ट्री तबाह हो जाए। अगर कोई मुल्क एग्रीकल्चर है
जैसे हमारा वो एग्रीकल्चर है वहीं से काम शुरू होता है, एक्सपोर्ट भी 60% एग्रो बेस्ड है, सारी इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर से आ रही है। अगर तो मुल्क उसने कहा कि जो प्रॉब्लम आता है जैसे जज्बा आ जाए, कश्मीर में जज्बा आया लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, वही आ गई। उसने कहा कि बुहरान आने की वजह रियल सेक्टर में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जो आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर है उस पर कोई प्रॉब्लम आ जाए। हमारा वो सेक्टर तो बिल्कुल ठीक था, ये जो प्रॉब्लम बैंकों ने क्रिएट किया था, ये प्रॉब्लम बैंकों ने क्रिएट किया, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज अ बैंकिंग क्राइसिस। दिस क्राइसिस इज क्रिएटेड बाई बैंक्स। लेकिन फिर उन्होंने नहीं माना इसको, उन्होंने कहा कोई एशियन वैल्यूज। फिर मैं थोड़े वालों से कहूँगा कि एक इंटरनेट पर सर्च करें एशियन वैल्यूज को, बेतहाशा आर्टिकल आएंगे उस दौर के बारे में, उस क्राइसिस के बारे में। लेकिन मैं बात को मुकसद करता हूँ, फिर क्या हुआ 2008 में वही क्राइसिस, वही बैंकों का क्राइसिस जिसने ईस्ट एशिया को भिगोया था, वो यूरोप और अमेरिका में आ गया एट द हार्ट ऑफ आवर सिटी। उन्हें समझ नहीं आई, उनके पास कोई जवाब नहीं था इसका अंजाम किसको दें। पहले तो वो कहते थे एशिया के भी आपकी मार्केट्स इम्परफेक्ट है, आपकी गवर्नेंस कंप्लीट नहीं है, उसमें लैक्स है। अब ये था कि इस क्राइसिस का जो उनके अपने घर में आया एट द हार्ट ऑफ वॉल स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट उनकी स्टॉक मार्केट है अमेरिका, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और पिछले 8 साल से वो इसका हल ढूंढ रहे, इसका हल नहीं मिल रहा। कभी ये कोई शक्ल नहीं लेता है कि सॉवरेन डेट यूनान के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसको यूरोपियन यूनियन से निकाल दो, कुदरत की जो तहजीब की जान है वो यूनान है, वहाँ ही मसला पड़ा है। अब मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ये बयान कर दूँ, ये अर्ज करूँ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। 8 साल से जो क्राइसिस वहाँ आया हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। पहली बार जो बड़ी हैरान कुल है, इस 500 साल की बैंकों की हिस्ट्री में मगरब का जो कॉमन मैन है उसका ट्रस्ट टूट गया है अपने सूदी बैंकिंग सिस्टम। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो 500 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। पहली मरतबा इन द हिस्ट्री ऑफ 500 ईयर्स ऑफ बैंकिंग वट देयर से कि हमारा ये निज़ाम, बैंकों का निज़ाम जो सूदी निज़ाम है, क्योंकि वहाँ एक सवाल उठा हुआ है कि जो बैंकर्स थे ये वह हाईली एजुकेटेड, वो हार्वर्ड के दुनिया का इस वक्त सबसे एक्सीलेंट अदारा है MBA का, बिजनेस स्कूल दैट इज हार्वर्ड। इसके बाद और है मिशिगन है, शिकागो है, इंग्लैंड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, ऑस्ट्रेलिया है। जिन लोगों ने बैंकिंग को डुबोया वो उन स्कूलों से पढ़े हुए थे, नंबर एक। नंबर दो, वो हाईली पेड थे, उनकी सैलरीज लाखों में और बाद करोड़ों में थी सालाना। मुझे फिर क्या वजह हुई, वो एक लफ्ज निकाल रहे हैं कि ग्रीड ऑफ अ बैंकर, लस्ट ऑफ अ बैंकर। अच्छा, जब ये प्रॉब्लम फाइनेंशियल सेक्टर में आ गया, बैंकों को आ गया, तो फिर वो कहते हैं कि जो बैंक्स हैं दे आर टू बिग टू फेल, इन्हें बचाना पड़ेगा। बैंक्स फेल नहीं हो सकते, बैंकों को बचाना पड़ेगा। फिर जो टैक्स पेयर्स की मनी से उनको बचाया गया और $800 बिलियन का पैकेज दिया गया। फिर साथ क्या हुआ कि नेशनलाइज कर लिया गया, पहली मरतबा इन द हिस्ट्री ऑफ सरमायादारी कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म ये कहता था कि फ्री मार्केट्स, ये फ्री मार्केट्स है, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये किसी के ख्वाबों ख्याल में नहीं था।
वेस्ट में, क्योंकि जब ईस्ट एशिया में क्राइसिस आया तो महादीर ने चाहा कि कुछ बैंकों को नेशनलाइज कर लें, उनको बचा लें, उनके प्राइस को, उनके मास्टर को बचा लें। तो उन्होंने कहा नो, आप जानते हैं मार्केट सिस्टम, नो इंटरफियरेंस इन द मार्केट। लेकिन हुआ क्या, इंग्लैंड में, अमेरिका में बेतहाशा खदानों को नेशनलाइज किया गया और उन्हें बचाया गया टैक्स पेयर्स मनी से। उसके नतीजे में एक तो लोगों का एतमाद जितना शुरू हो गया इस सूदी निज़ाम पर, इस बैंकों के निज़ाम पर, और दूसरी बात ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट, एक मुहिम चली वहाँ पर कि जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की, वॉल स्ट्रीट, इस पर कब्जा कर लिया जाए। और जो जानते हैं, जिन लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा ख्याल थे कि दिस इज हैपनिंग इन द वेस्ट, दिस इज हैपनिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द एटलांटिक, क्योंकि जो एटलांटिक ओशन है उसकी इस एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ इंग्लैंड है और यूरोप है, क्या हो रहा है। और जो उनका स्लोगन था, स्लोगन क्या था, वी आर 99%। जो लोग वहाँ जुलूस निकाल रहे थे उनके हाथ में जो प्ले कार्ड थे, कतबे थे, उस पर लिखा था वी आर 99% एंड दे आर 1%, एंड हु आर दे, बैंकर्स एंड फाइनेंसियर्स। अब वहाँ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या 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 कह रहे हैं कि बैंकिंग के कारोबार को नैरो कर दिया जाए, नैरो बैंकिंग का टॉपिक आजकल मोस्टली डिस्कस टॉपिक है यूरोप एंड अमेरिका, कि बैंकिंग के रोल को कम कर दिया जाए। और इससे बड़ी बात, इसका मतलब क्या है, बैंकिंग के बिजनेस को नैरो कर दिया जाए ताकि जो रियल सेक्टर का बिजनेस है, यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा कि बैंकिंग का बिजनेस है जो बिजनेस ऑफ मनी, आपने अपने पैसे को सूद पर देना है, उधार पर देना है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, मालियाती सेक्टर। इसका बिजनेस क्या है, पैसे को ये सारे बैंक्स क्या कर रहे हैं, ये लोगों से पैसा लेके उसको आगे उधारते हैं। एक और बिजनेस है जो ये सेल पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों को इसलिए नैरो कर दिया जाए ताकि पैसे के बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज के बिजनेस को बचाया जा सके। मैं खत्म कर रहा हूँ। तीसरा ऐसा आएगा कि पहले बता रहा हूँ का डिमांड क्या है, तीसरा ऐसा होगा। अच्छा, और मैं ये बातें कर रहा हूँ। अच्छा, आप उन्होंने कहा है कि हमें जो रियल सेक्टर का बिजनेस है, जो बैंक का बिजनेस है, वो इस्लाम कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेस उसको बचाया जाए मालियाती बिजनेस से। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया में डिबेट हो गया। और इससे बड़ी बात, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है पी टू पी फाइनेंस, पर्सन टू पर्सन फाइनेंस। फाइनेंस ऐसे अंदाज में दी जाए जिससे बैंकों को निकाल दिया जाए। ये चीज़ लंदन में हो रही है, अमेरिका में हो रही है। वो कहते हैं कि जो बैंकिंग का कारोबार है, ये क्या काम करते हैं कि उनका पैसा लेकर दूसरों को देते हैं, इनको निकाल दिया जाए। यहाँ उस आयत की समझ आती है जो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि सूद के कारोबार से, सूद से कारोबार नहीं बढ़ता। जो बात मैं करना चाहता हूँ, जो मैं कह रहे हैं इसको इस्लामी क्या है, कि ये अब लॉजिकली इस चीज़ की समझ आ रही है। जब हम नॉन मुस्लिम के सामने ये पेश करेंगे, क्योंकि कुरान और हदीस तो पूरी दुनिया के लिए है, तो लॉजिकली हम ये उनके सामने वो अब खुद कह रहे हैं जो गुड्स का बैग का बिजनेस है उसको बचाया जाए। और अब इस चीज़ की समझ आ रही है
कि वो जो कुरान ने 1400 साल पहले सूद बना किया था और ये कहा था कि सूद से कारोबार नहीं बढ़ता बल्कि तबाह हो जाता है, अब उसकी जिंदा मिसाल हमें वापस है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने रखा था कि आपको बताया जाए कि बाहर जिन लोगों ने सूद को एक्सपेरिमेंट किया है सरमायादारी करना, उसका अब क्या हाल है और वो तलाश कर रहे हैं, वो क्या तलाश कर रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। We are in search of reality कि हमें ऐसा एक निज़ाम मिले जिसमें तजारत के जरिए फला हो। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया, इस साल की किताब छपी है 21वीं सदी में सरमाया, द कैपिटल इन 21st सेंचुरी, उसमें लिखा है कि जब सरमाए पर मुआवजा रिटर्न ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ देयर इज ह्यूज लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी वाशी नाकामी और दौलत का इंतजाज। और वो कह रहे हैं कि एक बड़ा टैक्स लगाया जाए ताकि जो दौलत की नाकामी है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ है, बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम इससे बचे हैं। दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं कि मेक कैपिटलिज्म रिस्पॉन्सिबल, सरमायादारी को जिम्मेदारी दी जाए, उसको फला का बायस बनाया जाए और हमें एक जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो मैंने पहले आपसे खर्च किया था, दैट शुड बी एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू। हमें ऐसा निजाम चाहिए जिसमें इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी इंस्ट्रूमेंटल और एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यू। ये जो लूटे जाने का एहसास होता है, जो मैंने ये डील कर ली, ये तो मैं नुकसान में रहा, और जो उन्होंने कहा है कि वी आर 99% एंड दे आर 1%, और वो जो इंतकाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है। अब वो खुद ये कह रहे हैं कि जब रिटर्न ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ, इसको फायदा हो रहा है वो 1% को, तो उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमिक डील शुड बी एक्सचेंज ऑफ इक्वल वैल्यूज। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे दीन ने 1400 साल पहले हमें बता दी थी, कुछ तो आयात की शक्ल में और कुछ अहादीस उन्होंने पास की शक्ल में, जिनमें चंद मैंने आपके सामने पेश की कि माशी निज़ाम को फलाह का बायस होना चाहिए। अब सारी दुनिया पुकार रही है, चीख रही है कि हमें ऐसा निज़ाम चाहिए, उनका अपना यकीन ख़त्म हो गया बैंकों पर, और वो कहते हैं कि तजारत को फलाह का बायस होना चाहिए, तजारत को माशी बेहतरी का बायस होना चाहिए, दोनों के लिए, सेलर के लिए बायस होना चाहिए। ये चीज़ें बाहर डेवलप हो रही हैं और ये याद रखते हैं कि हम इन चीज़ों के वारिस हैं और अमीर हैं, और आज से नहीं 1400 साल से पहले, और हमें अब दुनिया को बताना है कि ये हम एक निज़ाम रखते हैं, हमारे पास एक निज़ाम है जिसमें जो आज के मसाइल हैं 2014 के जो प्रॉब्लम्स बाहर आ रहे हैं, मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा, तो दुनिया को, क्योंकि जो हमारा निज़ाम है वो आफाकी है, कोई फलासाई नहीं, आफाकी निज़ाम है, वो सारी दुनिया के लिए है और सारे जवानों के लिए है। तो अब वो ये चीज़ें पुकार रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी जो दूसरी बात है वो खत्म करता हूँ। और तीसरी बात कुछ गुजारशा, मैंने कहा था कि सियाकोप के बारे में और इस्लामी बैंकिंग के बारे में हमें क्या करना, हम इस सिस्टम के, इस निज़ाम, इस इस्लामी मुआशी निज़ाम के वारिस हैं और अमीन हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और आज तो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसीलिए कि क्या हमें फ़ायदा होगा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, उनकी सीरत से अपनी मुआशी
मैंने चूंकि स्टेटमेंट में काम किया तो वहाँ हमारी मीटिंग होती थी, मैं पढ़ पे आए हुए, वो कहते थे आपकी ये सारी बातें ठीक है लेकिन कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके पास नहीं, सारी बातें ठीक है, आप ठीक कहते हैं ये माजी में हुआ, माजी में इस्लामी निज़ाम राइज था, लेकिन अब क्या है आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं एक गुजारिश करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा, जो हम इस्लामी पेंटिंग कर रहे हैं वो शरिया बेस्ड नहीं है, शरिया के मुताबिक बनाया गया, शरिया के मुताबिक बनाया गया एक कोशिश कर रहे हैं, वो आइडियल निज़ाम नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो आइडियल वाशी निज़ाम नहीं है। और जो मैंने कहा कि जो इस्लामी सरमायादारी कुरान उसने यही पॉइंट बनाया है कि जो सारी दुनिया में इस्लामी पेंटिंग की कोशिशें हो रही है उसकी मंजिल तो वही है, लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया है वो ये है कि वो चीज़ों को सूर को निकाल दें, शरिया के मुताबिक कर लें जहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन वो असल शरिया नहीं है, हकीकी शरिया नहीं है। अब मैं बात ही खत्म करता हूँ, अपनी थोड़ी सी बात करूँगा, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि हम खालिस्तर 100% एक ऐसा काम करें जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ और उस पर कोई उंगली ना उठा सके। आप सब जानते हैं इस्लामी पेंटिंग के बारे में आपके बहुत से इतराज़ात हैं, क्या ये आइडिया है, ये पूरी सूरत को ये तकसीम कर देते हैं, उस पर मैं नहीं जाता। मैंने जो आपसे आखिर में गुजारिश करनी है और जो उस किताब में सभी ये लिखा है कि हमें करना क्या चाहिए, देखो हम सब की ख्वाहिश है, मैंने जैसे ही कहा कि मैं पानी बैठ के पीऊँगा क्योंकि ये बैठ के पानी मेरा फैसल है और फरमाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब की ख्वाहिश है कि हम कोई ऐसा काम करें जिसमें हम एक सुन्नत पर अमल करें। आप माशाल्लाह ट्रेडर्स हैं, बिजनेस मैन हैं, आपके सामने मैं एक चीज़ रखता हूँ, एक खालिस इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, यही मेरा आखिर में जो मसले जो मेरा मेरा गुजारिश है क्या करें हम, वो है रिवाइवल ऑफ मुतावा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुतावा किया, लेकर वो मुतावा कौन सा था उसे मैं कहता हूँ अपनी पेंटिंग की जुबान में मुतावा ऑफ द एसेट साइड। एक मुतावा हमारे पेंट भी कर रहे हैं कि लोगों से पैसे लेकर बिजनेस कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन जो मुतावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो उन्होंने हज़रत खदीजा के पैसों से किया। मुतावा क्या है, एक शख्स के पास पैसा है, दूसरे शख्स के पास स्केल है, और ये मसला कब आता है जहाँ दूसरा शख्स नौजवान है, उसके पास नॉलेज है, हिम्मत है, मेहनत है, लेकिन सरमाया नहीं है, उसका वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम में क्या हाल है, वेंचर कैपिटल कि आईटी में जो लोग आईटी जानते हैं बहुत से फंड्स हैं, आप कोई आइडिया दें, मसलन हमें बिजली का मसला है, अगर कोई वर्ल्ड वन ये कहे कि मैं सियालकोट की एक नहर पर एक ऐसा एक पावर पॉइंट लगा दूँगा छोटा सा जो पूरे सियालकोट को बिजली दे देगा, इस पर खर्चा आएगा 50 लाख, तो उसको बैंक तो कोई नहीं देगा, उसके लिए वेंचर कैपिटल है, इस्लाम में उसका हल क्या है मुदारबा। एक वक्त था कि मुदारबा अरब में राइज था, पूरी दुनिया में राइज था, आज क्या है मुदारबा मदरूक हो चुका है, छोड़ दिया वो काम जो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से किया, आप खुद सफर पर गए और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, आपने वो माल जिस तरह बेचा। तो मेरा एक ये आइडिया है आपके सामने कि बिजनेस में मुदारबा को दोबारा रिवाइव किया जाए, मेरी पूरी इस पर स्टडी है, मुदारबा एक मुकम्मल मोड ऑफ फाइनेंस है,
उसमें ये भी कर सकता है, जो आदमी पैसे लगाएगा उसे हम रबर बार कहते हैं, जो आदमी बिजनेस करेगा उसे बदाबर कहते हैं। रबर बार चाहे जो ये बता सकता है कि ये बिजनेस कैसे करना है, इस शहर में करना है, इन शहरों में करना है, वो गाइड कर सकता है। और इस वक्त यूनिवर्सिटी में इस्लामिक टेक्निक पढ़ाई जा रही है, लेकिन इस अंदाज में वो रिसर्च, वो मॉडल्स, वो फॉर्मेट जो हमें चाहिए, इस तरह हम आज के दौर में हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ है, नौजवान हैं हमारे पास, जिनके पास नॉलेज है, स्किल है, जज्बा है, लेकिन सरवाया नहीं है, तो उनके लिए एक मुतारबा का रिवाइवल किया जाए और इस शहर से इसका आगाज किया जाए। जिस तरह आप लोगों ने बड़े बड़े काम किए, मैं कहता हूँ आज के दौर में हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टूवर्ड्स इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हम गवर्नमेंट नहीं है कि सारे टैक्स खत्म कर दें, वो एक लंबी चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। दिस वी कैन डू, और इसके लिए मेरी प्रपोजल है कि मुदारबा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में हेल्प हो सकता है। हमारी यूथ जिस हिसाब से वर्क फोर्स का हिस्सा बन रही है वो आपको पता है, तो ज़रा मैं बात नहीं करूँगा, मैं एक एक्शन प्लान आपके सामने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सिर्फ बातें करके यहाँ से चले जाना, ये कुछ जो मेरी बातें आप पहले भी जानते थे, लेकिन आज की इस निश्चित में, इस महफल में, अगर हम अल्लाह हमें इतना मजबूत कर दे कि हम इस काम का आगाज कर सकें, इसके सिलसिले में मैं आपको एक एक्शन प्लान दे रहा हूँ कि SCCI में श्यामपुर जो कुछ चैम्बर है, चैम्बर ऑफ श्यामपुर में एक मुदारबा कमेटी कायम की जाए, मुदारबा कमेटी कायम की जाए जो उसको स्टडी करे और एक अनाउंसमेंट करे। मुझे पता है आप लोग श्यामपुर के लोग खुद कफालत स्कीम के जरिए बहुत काम कर रहे हैं, पहले से ही आप लोग बहुत काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, श्यामपुर से कह रहा हूँ, श्यामपुर की बिजनेस कम्युनिटी से कह रहा हूँ कि ये इस काम का आगाज किया जाए। नया साल शुरू होने वाला है 1 जुलाई 2025 से, एक चैम्बर में कमेटी बनाई जाए जो इसके टर्म एंड बेनिफिट्स बनाए, हाउ वी आर टू रिवाइव द बिजनेस ऑफ मुदारबा अमंग यूथ, क्योंकि मुदारबा है ही नौजवानों के लिए है। जब मुदारबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, आपकी उम्र उस वक्त 25 साल से कम थी, क्योंकि उसी मुदारबा के नतीजे में जब आपकी शादी हुई हज़रत खदीजा से, तो आप 25 साल के थे, तो ये जो सफ़र था 25 साल से पहले का है, नौजवानी के आलम में है, और आज हमारा नौजवान बारह बारह फिर रहा है, कितनी आदमी लेके फिर रहा है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं। चैम्बर में एक कमेटी बनाई जाए, उसमें क्या किया जाए, यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की जाए कि हमें एक वर्केबल मॉडल बना के दिया जाए, इस तरह हम, क्योंकि हम ये तो मान ही नहीं सकते कि मुदारबा हम मजबूत हो, जो काम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो कभी मजबूत नहीं हो, तो इसको रिवाइव किया जाए। और उसके लिए जब कोई चीज़ आपसे हाथ से निकल जाए तो फिर उसके लिए बड़ा काम करना पड़ता है, ऑन टू ग्राउंड्स, नंबर वन ऑन थ्रेटिकल ग्राउंड, हमारी दूरी कहाँ पर है, यूनिवर्सिटीज में और मदरसा में, जो हमारे दीन के स्कॉलर हैं, मस्जिद स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं, हम इनको रिक्वेस्ट करें यूनिवर्सिटीज़ को, जहाँ इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाई भी जा रही है, कि हमें वर्केबल मॉडल दिया जाए मुदारबा का, किस तरह हम अपने नौजवानों को ये बिजनेस करवाएँ, इसका फ़ायदा क्या होगा, कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी, और मुदारबा की लाजमी जो शर्त क्या है, मुदारबा करने वाला सच्चा होगा, मुदारबा के नतीजे में एक ऑनेस्ट ट्रेडर पैदा होगा, और फिकर फोरम अगर इसको पसंद करे
तो एक दिन की कॉन्फ्रेंस क्राइट है मदारमा एज अ मोड ऑफ मिनिमाइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें यूनिवर्सिटी लोग आएंगे क्योंकि एटलीस्ट हम इस पर इतराज़ करें, इस्लामिक बैंकिंग पर बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में क्योंकि वो स्टडी कर रहे हैं कि उनका अपना सिस्टम तो फ्लॉप हो गया, इसका बहुत मदद किया जाता है। तो ये मेरी आशा है कि एक पूरे दिन की है कॉन्फ्रेंस एज अ मोड ऑफ एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर मिनिमाइजिंग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन सियालकोट। सियालकोट के हालात के हिसाब से जब चैम्बर होगा और सारी एसोसिएशन होगी लोग इस पर काम करेंगे इंशाल्लाह इसमें रिजल्ट आएगा। और आखिरी मेरी बात, इसका रिवार्ड क्या होगा, ये जो मैं आपके सामने आप सोचते हैं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसका रिवार्ड मेरी नज़र में क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि आप लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, आप लोगों ने एयरपोर्ट बनाया, अब आपका फुटबॉल पूरी दुनिया में खेला जा रहा है। इस सिलसिले में अगर हम कामयाब हो गए दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा, बिजनेस प्रमोट होगा जो इस शहर की पहचान है, बिजनेस प्रमोट होगा। और दूसरा फायदा रोजे क़यामत जब हम पेश होंगे तो हमें ये फख्र होगा कि हमने उस सुन्नत को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जो दुनिया ने मजबूत करी। बस सवाल है, एक सवाल ये है कि अभी पेट्रो बैंक से पेट्रोलियम इस्लाम किस दौर में बैंकिंग सिस्टम था। मैंने कहा था कि इस्लामी निज़ाम में जो सातवीं सदी से लेकर
17वीं सदी तक जो इस्लामी निज़ाम है उसके पहले दौर में इनका जो फाइनेंस थी उसके बीच में बैंक नहीं था। हमारे बैठक दोस्त कह रहे हैं हमें एक एग्जाम्पल मिलती है हजरत जुबैर के अवाम की। लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवाते थे और वो उनसे पूछकर उनसे बिजनेस उनका होता था, लेकिन वो सूद पर नहीं था। कैसे हो सकता है कि इस्लामी दौर में हजरत जुबैर के अवाम सूद पर कारोबार करें? ये ज़रूर था, एक ही एग्जाम्पल मिलती है कि वो ये लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवाते थे और वो उनकी अमानतों से उनसे पूछ कर डिस्कस करते थे और उनको उनका कोई जो हिसाब था प्रॉफिट का वो देते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की कि मैंने फलां फलां का इतना पैसा दिया है, मेरे इलम के मुताबिक यही बैंकिंग की शक्ल थी जो उस दौर में। क्योंकि ये जो बाकायदा बैंकिंग का आगाज़ जैसे मैंने कहा जो पिछले 500 साल से है और ये यूरोप से शुरू है। मेरे हो सकता है कि आपके पास कोई रेफरेंस हो, लेकिन जो मेरी इंटरप्रिटेशन है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में इस्लामिक बैंकिंग पढ़ता भी हूँ और वहाँ से जो मैंने जो पढ़ा है एक एग्जाम्पल है और इसको जो ये मौलाना उस्मानी है कि डॉक्टर इमरान उस्मानी उन्होंने अपनी किताब में भी इसको लिखा है। एक मिसाल मिलती है हजरत जुबैर के। दूसरा सवाल है, देखिए सवाल जो है वो हम करते हैं बिल्कुल, सवाल का मतलब यही है कि कुछ जानना और दोनों के लिए जानना है, सवाल करने वाले के लिए भी और सवाल का जवाब देने वाले। तो मैं बेसिकली आई वेलकम क्वेश्चन, मुझे खुशी हुई कि हमारे टीचर साथी ने ये सवाल किया और लोगों तक ये जवाब पहुँचे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, हाउ विल यू एडजस्ट प्री इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इफ गवर्नमेंट विल नॉट इम्पोज टैक्स ऑन ट्रेड एंड विल अर्न मनी टू पे देयर एम्प्लॉइज। मैंने पहले ये कहा था जो चीज़ें हमारे बस में हैं हम वो कर लें। ऑब्वियसली हम कैसे, जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई खबर दी कि इस्लाम में ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन ये मैं आपको नहीं कर सकते। ये तो एक पूरा मॉडल बनेगा, पूरा फ्रेमवर्क बनेगा। इस सवाल के रहकर से मैं ये वजाहत भी कर दूँ कि हम इस्लामी बैंकों को ही पूरा इस्लामी माशी निज़ाम समझते हैं। इस्लामी बैंकिंग को पूरे इस्लामी मुआशी निज़ाम का एक छोटा सा जुज है। जो पूरा इस्लामी मुआशी निज़ाम है जिसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार है और फिर इसी तरह दूसरा जो एक माहौल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दिया कि कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन सच्चा ताजर उसको प्रमोट किया। वो तो है कि वो तो गवर्नमेंट के काम करने का काम है, जो हमारे करने का काम वो हम कर लें। देखिए हम अक्सर ये समझते हैं कि सूदी निज़ाम का खात्मा स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है या मुख्य पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। जहाँ तक हम कर सकते हैं, जहाँ तक हम बच सकते हैं, इस सिलसिले में मैं यही गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट तो जब करेगी सब करेगी, आप कर लेगा। मुदारफे का आगाज अगर अल्लाह ने आपको सामने सरबत बनाया है तो ये आपका पहला स्टेप होगा टूवर्ड्स स्टार्टिंग दी इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि गवर्नमेंट खुद जब पॉलिसी बनेगी वो करेगी, तो मेरा इसमें ये है कि हम खुद करें, क्योंकि सारे मुसलमान हैं और सूद सब के लिए हराम है और सब की जिम्मेदारी है कि जो वो कर सकते हैं वो करें। अब एक और सवाल है, अगर आपकी नज़र में इस्लामी निज़ाम जो आप बता रहे हैं इतना अच्छा था तो आज तक दुनिया में राइज क्यों नहीं? ये सवाल का जवाब तो इसके तो हम सब जिम्मेदार हैं। नेशन में कौमों में राइज एंड फॉल होता रहता है, कभी कौम ऊपर जाती है कभी नीचे आ जाती है। एक वक्त था कि जब मुसलमानों का अर्ज था उसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस दौर में यूरोप तारीखी में छुपा हुआ था, डूबा हुआ था और मुसलमान दे वर सिंपल ऑफ नॉलेज
आज वो कह रहे हैं कि यूरोप इज एज ऑफ विस्डम, नॉलेज की ना कभी ये था, जिस तरह आज हम बात कर जाते हैं हार्वर्ड में, शिकागो में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, इसी तरह एक वक्त था कि लोग बगदाद में, ऑस्ट्रेलिया में आते थे एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये तो राइज एंड फॉल है और नेशंस का। और दूसरा है कि कभी तो कोई आगाज करना है। एक मैं यहाँ एक वाकया शेयर करूँगा आपके साथ। अकरमा बिन अबू जहल, आपने नाम सुना होगा, जब मक्का फतह हुआ तो वो घर के भाग्य थे, बाद में मुसलमान हो गए। एक वाक्य हुआ हजरत उमर के दौर का, जब फतूहात हुई तो माले गनीमत आया तो हजरत उमर तकसीम कर रहे थे मराकब के हिसाब से कि पहले असहाबा जंगे बदर कौन है, पहला हक बदर के असहाबा का है, दूसरा हक उहद के जो सहाबा शाहरुद्दीन का है, तीसरा जंगे खंदक का है, चौथा फलां का है, फतह मक्का का है। अगर माँ बिन अबू जहल का कहीं नाम नहीं आ जाता, वो तो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। हजरत उमर ने देखा कि अगर माँ सर झुका के शर्मिंदा होकर बैठा है, वो भी क्योंकि अबू जहल का अबू जहल सरदार था उस वक्त कुरैश का इस्लाम से पहले, तो हजरत उमर ने एक बात कही अगर माँ से कि जब इज्जत हो जाए तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये बात अगर माँ को समझ आ गई, उस वक्त ईरान से जंग लगी हुई थी और वो जाके जंग में शामिल हुआ। जो बात उसने कही, अरबों में रिवाज था कि वो जंग शुरू करने से पहले शेर पढ़ते थे रजस, तो उसने वहाँ शेर पढ़ा, उसने कहा कि जब हम बातल के साथ थे उस वक्त भी पूरी सच्चाई के साथ थे, कि जब अबू जहल ने कहा कि जब हम बादल के साथ थे उस वक्त भी पूरी सच्चाई के साथ थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हम हक के साथ हैं, आज तो कोई पावर नहीं, कोई चीज़ नहीं। फिर वो लड़ा और शहीद हो गया आपका तरफ। बात क्या है, ये हम सब का गम है कि क्या करें। ये जो मैंने सारी बातें आपको बयान की है ये डॉक्यूमेंटेड है, मेरी कोई बात अपनी तरफ से नहीं है, क्योंकि ये जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसकी पकड़ है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात करूँ। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, जो मुसलमानों का कमाल था वो डॉक्यूमेंटेड है। क्या करना चाहिए, हमें इसका आगाज़ करना चाहिए, और ना हम गवर्नमेंट की तरफ देखें, ना हम स्टेट बैंक की तरफ देखें, अपने हिस्से की जो कहते हैं कि क्षमा जला दें। और मैं कहता हूँ कि जब फिकत हो गए इसका मकसद क्या है, आज छुट्टी है आपको, आप अपने घरों से उठ के यहाँ पर आए, क्या है कि किसी को इसकी समझ आ जाए, कोई अपने अपने अपनी हैसियत में पहले कदम का आगाज कर दे, इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आएगा। राइज एंड फॉल करता रहेगा, इंशाल्लाह वो वक्त दोबारा आएगा। और जो मैंने इतनी लंबी बात की है, अब दुनिया इस निज़ाम को ढूंढ रही है, उन्हें नहीं पता हम उसके वारिस हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी से है। सवालों से लगता है पता कि अब मेरी बात आप तक पहुंची है, आपको अच्छी लगी है नहीं, लेकिन सुनी ज़रूर है आपसे। एक दोस्त से बात हो रही थी तजारत के हवाले से, बड़े मसूद से कहते हैं कि तजारत कारोबार में झूठ न बोले, कारोबार नहीं चलता। मैं हैरान हूँ, लेकिन वो मुसलसल कहे जा रहे थे आज मेरा कारोबार झूठ ना बोलूँ तो इतना एस्टैब्लिश ना होता। पहली तो बात यह है कि आपके दोस्त ने सच बोला और जुर्रत की सच बोलने की, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं पढ़ाता भी हूँ इस्लामिक पेंटिंग, उसमें एक आता है कॉन्सेप्ट डिस्काउंट विंडो। मैं ये पढ़ा रहा था कि भाई डिस्काउंट विंडो का वापस क्या है, फिर वही आपका दीन और फिर वही फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था अगर कोई बेचने वाला, अगर कोई खरीदने वाला चीज़ वापस करने आए तो वापस करिए। तो इस पर हमने तो अमल नहीं किया। छोटी सी बात आपको बताता हूँ, वेस्ट में डिस्काउंट विंडो जब खुली, कुछ लोगों ने इसको अपोज किया,
उन्होंने कहा अच्छा इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर कोई आदमी खरीदी हुई चीज़ वापस करने आ जाए, आप लोग वहाँ जाते हैं अक्सर, 30 दिन तक वहाँ ये है, आपने पेंट शर्ट खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहें तो वापस कर सकते हैं। जब उन्होंने इसका आगाज़ किया उन्होंने कहा कि इस काम के करने से हमारी सेल बढ़ गई। बैरियर ये यकीन है आपका, अगर जो कुरान पर यकीन है और नबी पाक वसल्लम की बातों पर यकीन है तो नहीं नुकसान तो आप बात देखिए, मैं उस पर बहस नहीं करूँगा कि उन्होंने काफरों ने इस पर अमल किया है। एक बार मैं यहाँ और करूँ, वो लोग उनका सवाल क्यों है, उन्होंने हमारी किताब को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एज ए बुक पढ़ा है और समझा है और उसे बेनिफिट लिया है, हमने उसको एज कोई बुक पढ़ा है समझा नहीं, और यही वजह है कि हमारा यकीन नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि बिजनेस यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं जिनका बिजनेस जो सच्चाई से कर रहे हैं और बिजनेस कभी फलता फूलता है ये कुरान का फैसला है, जो सच्चा ताजर है। मैं तो नहीं कह रहा, कभी बादशाह सुनो फरमा रहे हैं कि सच्चे ताजर का रुतबा शुहदा और सालहीन के पास है, और फैसला आप खुद करें सच से एक और बार बढ़ेगा या नहीं। तो सवालों की जो पछाड़ होगी इस वजह अमल में इब्राहिम महलो साहब ने इस्लामी मालियाती निज़ाम की असास कागज़ की तरसी की बजाय सिक्का यानी दिनार और रकम की बात की थी, क्या कागज़ की तरसी को तब्दील किए बगैर इस्लामी मालियाती निज़ाम लाइन किया जा सकता है। देखिए ये एक बहस चल रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जब 97-98 में ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया तो महादीर ने पहली बार ये कहा था गोल्ड दिनार कि जितने मुसलमान हैं वो अपनी सारी करेंसी को गोल्ड में डिनोमिनेट कर दें, और दुनिया में एक वक्त था कि गोल्ड स्टैंडर्ड था, गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड इसी मगरब में इसी सरमायादारी में गोल्ड और स्टैंडर्ड जितनी भी सारी करेंसी थी वो उसमें कन्वर्टेबल थी। जब अंग्रेज का यहाँ दौर था तो आपकी मर्जी थी कि एक पाउंड ले लें या एक पाउंड के बराबर नोट ले लें, कन्वर्टेबल था, आपकी मर्जी थी आप जाए ले लें। और ये भी हकीकत है उस दौर में इन्फ्लेशन का उतार इतने भागों का, अब एक कोशिश हो रही है कि जो इब्राहिम पटेलो साहब है मैंने तो सारा पढ़ा है तो उन्होंने अपील भी की हुई है, लेकिन एक बात मैं आपसे रख रहा हूँ, असल चीज़ पहले उस इस्लामी माहौल का अहिया है, उसका आगाज़ है जिसमें ये इस्लामी कारोबार बढ़ेगा बोलेगा, तजारत का सुर का नहीं। जब वो ये कारोबार बढ़ेगा बोलेगा बोलेगा, जहाँ तक तारीख हमें ये बताती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दौर तक ईरानी और रूमी सिक्का चलता था, हजरत उमर के दौर में पहला सिक्का डाला गया, ये भयानक बहस है और इसको इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं कि अगर हम पेपर करेंसी की बजाय गोल्ड में ले आए तो उससे ये जो बार बार क्राइसिस आते हैं ये कम हो जाएंगे। ये एक बहस चल रही है और इसमें पूरी दुनिया में काम हो रहा है, मलेशिया इसमें बहुत आगे है, मलेशिया ये कह रहा है कि जो सारे इस्लामी मुल्क हैं वो एक तो आपस में ट्रेड करें और एक करेंसी दिनार जो ये 100% इस्लामी नहीं है, खालिस नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी कोई रास्ता भी नहीं, एक हमने आगाज़ किया है, ये हमारा एक सफ़र है, हमारी मंजिल हरगज नहीं है, हमारी मंजिल वही निज़ाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर में था उनका बयान करता था, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उससे हमने जो बेनिफिट करना है वो हम कर रहे हैं, ये आगाज़ है। और हमें अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक तो हम इंतज़ार करें चुप करके बैठें, और दूसरा है कि इसी निज़ाम को
प्रमोट करने के लिए काम करें, क्योंकि उधर मुकाबला 500 साल की वैकेंसी से है, इधर अभी हमें 10 साल हुए। मैं तो कहता हूँ कि ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो इस सिलसिले में जो कर सकता है करें। एक यहाँ पर मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर आप अपने सारे डिपॉजिट सूदी बैंक से मंगवा के इस्लामिक बैंकिंग में रखें, क्या होगा? एक लहजे के लिए सोचिए। मैं यहाँ स्टेट बैंक का चीफ मैनेजर रहा हूँ, मुझे पता है कि लोग कैसे लड़ते हैं सूद के लिए, जबकि अहकाम वाज़ेह हैं। अगर हम ये कर दें आज के बाद इस इस्लामी बैंकिंग की तरफ आए, अगर जो वो आइडियल नहीं है, एक आगाज तो है, आपकी मर्जी है आप उससे हट जाए, और आपकी मर्जी है कि जो एक आगाज हुआ है उसमें आप शामिल हो जाए। बरहाल ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये अभी एक सफ़र का आगाज है, ये मसाली इस्लामी वाशी जुबान में। प्रोफेसर एजाज भट्ट साहब की तरफ से, क्या 19वीं सदी में किसी मुल्क इस्लामी में इस्लामी निज़ाम प्योर फॉर्म में आए हैं, इसके क्या राय कुछ हो? इस सिलसिले में मैं आपसे एक और वाक्य शेयर करता हूँ, आने में टाइम बहुत हो चुका है, कहते हैं आप अपने क्वेश्चन है। सियालकोट के ही फजल थे मौलाना अबैदुल्ला सिंह, सिख नौजवान थे, किसी मर्द मोहन से मुलाकात थे, मुसलमान हो गए, तो बहुत बड़े आलम थे इस्लाम के, दीन के। वो अफगानिस्तान गए और रशिया गए, तो मेरी बात ना सुने थे, रशिया गए तो लेनिन से मिले, ये 1950 के बाद की बात है, लेनिन से मिले तो लेनिन ने कहा कि ये जो हिंदुस्तान से एक मौलवी है उसको क्या पता कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो कार्ल मार्क्स की जो किताब है दास कैपिटल, उसने उनको पढ़ने के लिए दी और जिक्र किया कि मौलाना हम जो निज़ाम लेकर आ रहे हैं उसमें जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन के हम दूसरों को दे रहे हैं। तो आपने कहा अच्छा, लेकिन मेरा दिन तो ये कहता है कि खुद ही दे दो। लोग पूछते हैं कि हम अल्लाह के नाम में क्या खर्च करें, तो उनसे कहें कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो दे दें। और दूसरा हुक्म ये है कि जो किसी को दो सबसे अच्छी चीज़ दो। वो चुप हो गए लेनिन, उनका मौलाना आप ये किताब पढ़े और मेरे पास आए, जब आप ये किताब ख़त्म कर लें तो फिर आप मेरे पास तशरीफ लें। उनका ख्याल था कि ना ही पढ़ेंगे ना मेरे पास आएंगे, लेकिन आफ्टर 50 डेज मौलाना साहब ने पैगाम लिखा। अच्छा, जब वो रुख्सत होने लगे पहले, तो लेनिन ने एक घड़ी दी उन्हें, तो फिर दो मेहमान इंडिया से आए थे, बड़ी कीमती घड़ी रॉयल वॉच पूरे तोहफे में दी। वो जब आए उससे पहले उनके बारे में एक रिपोर्ट चली गई जसूसी का, कि वो अच्छा होता था, उनको गाड़ी भी दे दी, ड्राइवर भी दे दिया, कि उनके ड्राइवर के पास इंतहाई जो कीमती घड़ी थी रॉयल वॉच पकड़ी गई। उनका ये ड्राइवर ने चोरी की, उसने कहा नहीं, जो मेहमान इंडिया से आया हुआ उसने मुझे दी। बड़े हैरान हुए कि यार ये जो इतनी कीमती घड़ी थी और शाही घड़ी थी और बादशाहों के लिए थी, इसने ड्राइवर को दे दी। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस्लाम में सरकार के बाद कोई जबर नहीं, लेकिन मोटिवेशन इतनी ज़्यादा है, इंसेंटिव इतना ज़्यादा है कि खुद ही अल्लाह की राह में, और आयत कुरान में है कि तुम्हारी नेकी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तुम अपनी बेहतरीन चीज़ अल्लाह के नाम की। कि हम तो नेकी अपनी इस तरह मुकम्मल करते हैं कि जो साइड है वो दे देते हैं, उसने कहा अच्छा ये ठीक है, तो ये घड़ी क्यों दी आपने? उन्हें कहा ऐसा है कि मेरे पास पहले घड़ी थी और आपकी घड़ी मेरी घड़ी से कीमती थी, तो मेरा दिन ये कहता है कि जब किसी को दो तो बेहतरीन चीज़ दो, तो मैंने वो बेहतरीन घड़ी आपको दे दी। उसने तो बहुत खुदा के वास्ते मेरा बहुत शोर है। इसे कहते हैं रामायण की बर्दी मोहम्मद की फरासत। मैं कह ये सारी बातें वही हैं कि अगर हम अपने आप को यकीन की हालत के ले आए, यकीन कर ले कुरान पर, क्योंकि कुरान पहली लाइन में ये कहता है ये वो किताब है जिसके सच होने में कोई शक नहीं आ रहा है, ये वो किताब है जिसके सच मेरे मेरी जो कहवे जो मैं कुरान को समझता हूँ
इस लाइन को समझने के बाद पहली लाइन इसी किताब की ये पहली लाइन नहीं है। आप देखिए सब पढ़ते हैं अल्लाह की, ये वो किताब है जिसके अभी किताब पढ़ी नहीं, ठीक है ना। अभी किताब का आगाज हुआ, पहला फिक्रा है कि ये वो किताब है जिसके सच्चा होने के बारे में कोई शक नहीं। अगर इस लाइन पर यकीन करके अगली लाइनें पढ़ेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। और फिर सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाब है। एक मैं बड़ा रेफरेंस उमेश खान साहब बैठे से मेरी बात होती है, माइकल एच आर्ट का मैं एक बात डिस्कस करता हूँ, मुझे समझ नहीं। एक बात ना, हम सब सोचते हैं, मैं सोचता था कि जो लोग तो मानते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान है वो तो मानते हैं, लेकिन आपका लकब है रहमतुल आलमीन, पूरी दुनिया के पूरे आलमों के लिए आप रहमत है और हर समाव मकाम के लिए आप रहमत है। तो जो आपको नहीं मानते उनके लिए वो तो आपको मानते नहीं। माइकल एच आर्ट की किताब है दी 100, उसने पूरी इंसानियत से 100 आदमी लिए हैं। आपको पता होगा कि नंबर वन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने लिखा है कि जिंदगी आपकी मजहबी हो या गैर मजहबी, जिंदगी मजहबी हो या गैर मजहबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई आखिरी है। कैसे 40 साल की उम्र तक आपने किसी खुदा की बात नहीं, ना मुरवजा बुतों को खुदा माना। उस दौर में भी आप सादतुल समी थे, और इनकी जुबानी को जो दुश्मन थे उसने कहा है कि अगर कामयाबी हासिल करनी है, आपका मजहब है नहीं है, सादत और अमीर बन जाओ कामयाबी आपके। मेरे दोस्तों मेरी गुजारिश यही है, आप ये हो गया स्टेट लाइफ इंश्योरेंस असूल मुजारबा की मिसाल देते हैं। आप सरसों की तजारत, आपकी तजारत क्या जायज है मुजारत में? देखिए ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह हम मैंने कहा ना कि वो अहम शरिया के मुताबिक नहीं है। शरिया के मुताबिक तो क्या है कि बैठ नहीं है बीच में, एक बात कोई वाक्य होगा जैसे बारे बैंकर हबीब के दोस्त ने कहा, लेकिन ये उससे आइडियल नहीं है। ये जो स्टेट वाइज इंश्योरेंस है ये वाले जो काम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि मुतालबा को वेंचर जो है ना कि ये सरमाया कैपिटल उसके मुताबिक करते जो सूद पर मबनी है वो उसको प्रॉफिट का नाम दे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो लोग ना जुए कर जा के जब बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ना शराब के बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ये उनमें फर्क है। तो ये भी एक उनकी कोशिश है जो 100% आइडियल नहीं है, जब उसकी तरफ एक कोशिश है, इसलिए हमारे उलमा हज़रात इसकी इजाज़त है। अब एक और सवाल है, इस्लामी तारीख में ज़कात के अलावा पहला टैक्स कब लगा? मैं आपसे वैसे ही गुजारिश करूँगा कि जो किताब दाखिल मुराद की है इस्लामी सरमायेदारी, उसको जो इनको पढ़ने का शौक है उन्होंने बहुत तफसील से डिस्कस किया है ये टैक्स के बारे में, फ्री ट्रेड के बारे में, और ये कहा है कि जब ज़रूरत पड़े तो हुकूमत ज़कात के अलावा भी टैक्स लगा सकती है, और जब ज़रूरत पड़े तो हुकूमत मंडी के मामला में, मार्केट के मामला में इंटरफियर कर सकती है, यहाँ तक कि पहला मार्केट महोत्सव नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुकर्रर किया कि मार्केट के मामला को इंटरफियर नहीं, कीमतें बढ़ी आपने कहा मैं फिक्स नहीं करूँगा, फिक्स नहीं किया आपने। नजर उमर के दौर में एक वाक्य हुआ, एक ताजर मार्केट से सस्ती चीज़ें बेच रहा था, आपने उसे कहा या तो मार्केट के मुताबिक अमल करो या मार्केट छोड़ दो। ये सारी बातें आपको वहाँ से मिलेगी। और अब ये सवाल है कि पहला टैक्स ज़कात के अलावा कब लगा, इसकी तारीख हमें ऑटोमन अम्पायर से मिलती है।
आप जानते हैं कि जो ऑटोमन अथॉरिटी वो यूरोप में है, तुर्की, तुर्की यूरोप में है, और यूरोप में ये 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी, 16वीं सदी बहुत जगह हुई है आपस में, कभी इंग्लैंड स्पेन के खिलाफ है, जर्मनी फ्रांस के खिलाफ है, फ्रांस के खिलाफ। तो वो क्या करते थे, वो लोगों से कर्ज लेते थे सूद पर। ऑटोमन एम्पायर ने उस दौर में भी अपना इस्लामी तशब्बुस बरकरार रखा और दो तीन यूनिट सिस्टम बनाए, मालखाना और जिले में एक एहसाम था। तो पहली मिसाल हमें उस दौर से मिलती है जिसको हम इस्लामी कहते हैं। इस्लामी दौर में सरकार के अलावा भी टैक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करूँ, ये आर्जी होगा, ये सूरत हाल के हिसाब से होगा, और इसको, और ये भी सरकार कहते हैं कि आप कीमतों को भी मुकर्रर कर सकते हैं, प्रॉफिट रेट भी तय कर सकते हैं, लेकिन सारा सिचुएशन जो ब्रॉड प्रिंसिपल है कि ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं, कीमतों पर कोई टैक्स नहीं किया जाएगा, सरकार के अलावा जीरो टैक्स है, मेरे इलम के मुताबिक ऑटोमन एम्पायर में करनी पड़ती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने आई थिंक सर फॉलो में आपने मेरी बात को सुना, और मैं फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे कोई गलती होगी, वैसी बात मैंने कर दी हो, क्योंकि तो मामला बहुत नाजुक है, हम जिक्र कर रहे हैं नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह हम सब का आपका फजल करे। बहुत शुक्रिया जो नबी साहब, अभी एक ऐलान के लिए मैं यहाँ वापस आया हूँ, अभी दुआ के बाद तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा और मसले तशरीफ ले जाएंगे। आज से हम लोग अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से हम समझते हैं कि हमारे पे फर्ज भी है और कर्ज भी है कि पूरी दुनिया में इकबाल का काम होता है, अहले सियालकोट का उनसे रवैया बेअतनाई का है। आज से हम कोशिश करेंगे कि मंथली अलामा इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें कोई लेक्चर नहीं होगा, किसी एक गेस्ट को हम रखेंगे और मुशावरत दे सकते हैं हम दोस्त, जिन दोस्तों को मौजू से दिलचस्पी हो और वक्त हो, आप जाहिर अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफियात होती हैं, अगर टाइम हो तो नमाज के बाद तशरीफ रखें, जो बैठना चाहें अपनी मर्जी से। अभी दुआ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे परवेज भाई, कुछ बुक्स देना चाह रहे हैं प्लीज हो सकता गिफ्ट है परवेज भाई के लिए और ऐसे के लिए, और दरख्वास्त के लिए मैं ऐसे दरख्वास्त करता हूँ।
में ये कैमरा खुला Thank you.